गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह पड्डल के संचालन को लेकर उपजे विवाद के बीच अब यहां संत बाबा लाभ सिंह ट्रस्ट के नियंत्रण में चल रहे गुरु गोविंद सिंह स्कूल के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। यहां करीब 400 बच्चे प्री नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और करीब 35 के आसपास स्टाफ है। 2016 में गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह पड्डल को स्थानीय गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा पड्डल ने अपने कब्जे में ले लिया था, जबकि स्कूल अभी भी संत बाबा लाभ सिंह ट्रस्ट आनंदपुर साहब के अधीन है और इसे गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह पड्डल की कार सेवा 1994 से लगातार चल रही है। कार सेवा मंडी के प्रधान नारायण सिंह, प्रधानाचार्य गुरु गोविंद सिंह स्कूल पड्डल अंजू शर्मा, नेरचौक गुरुद्वारा के प्रधान सरदार सिंह, महासचिव मनप्रीत व सेवक गुरुचरण सिंह उर्फ बंटी ने सामूहिक रूप से पत्रकार वार्ता कर आरोप लगाया कि स्थानीय कमेटी के नाम पर कुछ लोग स्कूल प्रबंधन को डरा धमका रहे हैं। पिछले दिनों उनके स्कूल बसों की टायर की हवा निकाल दी गई थी और 2 दिन पूर्व स्कूल बस के ड्राइवर को कमरे से बाहर कर वहां ताला लगा दिया गया और एक अन्य गुरुद्वारा के मैनेजर को धमकी देकर घर भेज दिया गया। प्रधानाचार्य अंजू शर्मा ने कहा कि गत वर्ष नवंबर 2017 से ही उन्हें तंग कर कागजात मांगे जा रहे हैं और अब उन्होंने कहा कि आप ट्रस्ट की ओर से NOC बताओ तो वे नहीं दे पाए। कुछ लोग जबरन स्कूल पर अपना कब्जा करना चाहते हैं, जिससे सभी परेशान हैं। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि उनकी ओर से दी गई शिकायत पर FIR दर्ज की जाए और बच्चों के भविष्य को देखते हुए ठोस कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि अगर स्थानीय कमेटी के पास स्कूल प्रबंधन चला जाता है तो वे काम करने में असमर्थ होंगे, क्योंकि इनमें कुछ लोग डराने धमकाने का काम करते हैं और यहां जानबूझकर हालत खराब किए जा रहे हैं और पुलिस कैंपस में आने से बच्चे भी परेशान हैं। 1994 से हमारा स्कूल गुरु गोविंद सिंह पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि हिस्टोरिकल गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह के परिसर में स्थित है, कार सेवा प्रमुख ट्रस्ट संत बाबा लाभ सिंह जी के अधीन चल रहा है, लेकिन कुछ 1-1.5 साल से कुछ शरारती तत्वों के द्वारा हमें बहुत परेशान किया जा रहा है, जिसकी मैंने समय समय पर पुलिस में कंप्लेंट भी की हुई है और मेरे स्टाफ को भी परेशान किया जा रहा है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जब तक ये गुरुद्वारे का मसला सॉल्व नहीं हो जाता है तो इन लोगों का स्कूल में इंटरफेरेंस बंद की जाए और इनके अगर ये ऐसी कुछ हरकत करते हैं तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं सेवक गुरुचरण सिंह उर्फ बंटी ने आरोप लगाया है कि कुछ धनाढ्य सेठ जबरन गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह पड्डल पर कब्जा कर बैठे हैं, जबकि संत बाबा लाभ सिंह के निर्देश पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की सभी हिरोस्टिकल गुरुद्वारों का संचालन करेगी और CGM कोर्ट ने भी समझौते के आदेश दिए थे, लेकिन स्थानीय कुछ लोगों ने गैर कानूनी तरीके से कमेटी बना डाली और ये आरोप लगाया कि संत बाबा लाभ सिंह सारा पैसा गुलकों में भरकर यहां से ले जाते हैं और वापस नहीं देते हैं और 2016 से गुलके यहां खाली पड़ी हैं और अंदर आनंदपुर साहब जाने से रोक दिया गया है। उस समय SDM और DSP ने समझौता करवाया था कि 20 दिन तक गुलकों को कोई नहीं छेड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद जर्नल हाउस के नाम पर कुछ लोगों ने एकत्रित होकर यहां कब्जा कर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि 5 सिख परिवारों को इन्होंने तड़ीपार कर दिया है और उनके खिलाफ दुष्प्रचार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि SGPSC हमारी सर्वोच्च संस्था है जो सभी गुरुद्वारों की देखरेख करती है, इसलिए हम चाहते हैं कि यहां कुछ लोगों को चौधरचारी के बजाय संत बाबा लाभ सिंह की देखरेख में गुरुद्वारा चले और स्कूल भी वहीं चलता रहे। गुरुद्वारे का जो इस वक्त मतलब ये चला हुआ है डिस्प्यूट, ये कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट नहीं है। चंद लोगों की जो महत्वाकांक्षा है, इस गुरुद्वारे के जो समाधान हो सकता है वो कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा उसमें आड़े आ रही है। वो लोग नहीं चाहते कि हम संगत जो है इकट्ठी होकर चले। इस वजह से ये जो गुरुद्वारे का हमारा डिस्प्यूट पड़ा हुआ है,
तो मैं तो ये चाहता हूं कि सारी संगत मिलजुल कर गुरुद्वारे में काम करें। जैसे संत बाबा लाभ सिंह जी पिछले 34 सालों से गुरुद्वारे में सेवा करवा रहे थे, संगत भी सारी मिलजुल के उनके साथ चलती थी, उसी तरह से हम संत बाबा लाभ सिंह जी को एक बार फिर सामूहिक तौर पे सारी संगत इकट्ठे होकर उनको मंडी गुरुद्वारा में लाएं और उनका वही स्वागत करें और उनको ये रिगार्ड दें कि बाबा जी आपने जो इतनी सेवा करवाई उसका फल हम आपको आपके स्वागत करके दे सकते हैं, ना कि आपको आपकी बुराइयां और फजूल की बातों की और ध्यान लगाने से होगा।